हेलो सो वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन एंड टॉपिक फॉर द डे इज इंडियन इकॉनमी फिफ्टी टू 1991 हम लोगों ने पढ़ लिया ऑन द ईव ऑफ ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस हमें ब्रिटिशर्स कैसा देश देके गए थे ऑब्वियसली कुछ अच्छे हालात तो थे नहीं बहुत खराब से सिचुएशन थी हमने वो सारी सिचुएशन एक बार समझ ली। पर अब ऐसा होता है कि हमें आगे तो बढ़ना है रात गई बात गई अब आगे सोचना जरूरी था सो so, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी कैबिनेट ने उनको आगे सोचने के लिए प्रेरित करा कि चलो व्हाट नेक्स्ट व्हाट व्हाट वी शुड गो व्हाट वी शुड लीड आर इकॉनमी टू वेयर वी शुड अर इकोनॉमी टू क्या बनाओगे इकनॉमी को जब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है तो उसके पहले ये आता है इकोनॉमिक सिस्टम होते कितने टाइप के तुम्हें ये तो पता ही नहीं है तो इकोनॉमी बनाओगे कैसे तो हमें ये समझना पड़ेगा तुम्हारे हाथ में भी अगर देश आता तो पहले ये समझना पड़ता कि देश को बनाना जो चाहते हो वो वो कितने टाइप के होते हैं इकोनॉमिक तो सिस्टम होते कितने टाइप के तो 1950 से 1991 ही चैप्टर का नाम ये क्यों है पहले समझ लेते हैं ऑलमोस्ट 1950 के आसपास हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन के फाइनली एक्सेप्ट हो गया 1949, तो नवंबर को बन गया था और 1951 से हमारे देश में भी थी, दिस इज द ईयर ऑफ हमारे देश की इकोनॉमिक सिस्टम का भी यही स्टार्टिंग ईयर और 1991 नाइन वन तक क्योंकि हमने जब देश बनाया तो हमारा थॉट प्रोसेस था कि इस देश को काफी हद तक हमें सोशलिस्ट पैटर्न पे लीड करना है नेहरू जी की इच्छा भी थी रशिया से वो इम्प्रेस थे सोशलिस्ट पैटर्न पे हमें भी लगता था सोशलिस्ट पैटर्न ज्यादा अच्छा एक पैटर्न ऑफ स्ट्रैटेजी है हम ब्रिटिशर्स से थोड़े खफा भी थे आ, हमने सोशलिज्म पैटर्न पर अपने देश को बढ़ाया टीन 1990 हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि अब आगे कुछ बचा नहीं है अब सिर्फ खाई आगे तो सोशलिस्ट पैटर्न हमारा सक्सेसफुल पैटर्न नहीं माना गया सोशलिज्म भी ऐसा नहीं था कि प्योर सोशलिस्ट था हमारा सोशलिज्म में कुछ कैपिटलिज्म का पार्ट था ज्यादा सोशलिस्ट पार्ट था सोशलिस्ट की तरफ मूव कर रहे थे हमें इतनी बुरी सिचुएशन फेस करनी पड़ी हमारे पास सिर्फ ग्यारह दिन के आस के फॉरन रिजर्व बचे थे

पोस्ट इंडिपेंडेंस में दो फेजेस हैं टिल नाइनटीन और उसके आगे के फेजेस तो आज पढ़ते हैं इसमें भी पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो जल्दी से इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट की बात करोगे तुम लोग तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले मैं उसको नंबरिंग कर देता हूं ये नंबरिंग तुम लोग भी याद रखना तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर द सेकेंड ऑब्वियस इज इंडस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पे होंगे द थर्ड वन इज

ये ये रैंकिंग बहुत अच्छी से याद रखना आगे बढ़ते हैं फर्स्ट इज डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम शॉर्ट में समझते हैं इसको बहुत बार तुम लोग इस चीज को कभी ना कभी ना फेस कर चुके हो कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इज इकोनॉमिक सिस्टम क्लास इलेवंथ में पढ़ा हुआ है जहां पे uh, सारे आर रिसोर्सिसनेज एंड ओन बाय प्राइवेट सेक्टर सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे सारे रिसोर्स कंट्रोल मैनेज एंड ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन देश की गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल करती है रिसोर्सिस ओन करने का मतलब है प्राइजेस इंडस्ट्रीज uh, कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है सारे इकोनॉमिक डिसीजन सरकार के होंगे कैपिटलिज्म में सारे इकोनॉमिक प्राइवेट के होंगे तो प्राइजेस भी प्राइवेट अपने आप डिटरमाइन करती है अपने आप डिमांड सप्लाई पे डिटरमिनेशन हो जाता है प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल होता है इन uh, कैपिटलिज्म सबसे ज्यादा रोल होता है सोशलिज्म सिर्फ सरकार और एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मिक्स इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी वे कैपिटलिज्मी कैपिटलिज्म दोनों एग्जिस्ट करते हैं कैसे इसको सिर्फ एग्जाम्पल समझना कंफ्यूजन नहीं होगा मल्टीपल टाइम दिमाग नहीं घूमेगा क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में इतना याद रखना एक इकोनॉमिक सिस्टम है एक एक टाइप की इंडस्ट्री है नाम बताता हूं एक है रेलवे एक है डिफेंस ये मैं साथ में लिखता हूं एक है एटॉमिक एनर्जी ये एक हो गया और एक दूसरा स्ट्रक्चर चल रहा होता है देश में वो है बचा हुआ पूरा प्राइवेट सेक्टर सो रेलवे डिफेंस एटॉमिक और अपन यहां नाम दे देते हैं अदर्स अदर्स तो others में क्या क्या आ सकता है टेलीकॉम ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट एनिमेशन आर्म्स एंड जितने भी आर्म्स एंड एमिनेशन काउंट होता है सो so, एयरक्राफ्ट अलग चलते हैं सो एयरक्राफ्ट एयरवेज इंडस्ट्रीज और जितनी इंडस्ट्रीज है जो सोच सकते हो टेक्सटाइल्स है लेके सब कुछ सबको अदर्स में डाल दो सो so, ये तीन इंडस्ट्री और अदर्स की वजह से हमारा देश मिक्सड इकॉनमी बस ये तैयार रखना अगर इन तीन इंडस्ट्री को छोड़ दो ये तीन इंडस्ट्री जो मजबूरी है रेलवे इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया और टोमिको डिफेंस हम जनरली किसी को दे नहीं सकते ठीक है सो देश में यही चीजें बस कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इनका प्राइज नहीं गया है बाकी सब कुछ आ, देश में ओपन हो गया सो आर इज मोर ऑफ अ अड इकोनॉमी में भी मोर ऑफ अ अपिटलिस्ट इकोनमी ये याद रखना ठीक है सो दीज आर द्री टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी ये पढ़ना जरूरी है फिर आते हैं फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग देश आया हाथ में

प्लान गैप लिया हुआ है पहला प्लान गैप हमने लिया बस याद रखना मैं प्लान गैप बता रहा हूं तुम लोगों को द फर्स्ट प्लान गैप वॉज द फर्स्ट प्लान गैप वॉज थर्ड फाइव ईयर प्लान द सेकेंड प्लान गैप वॉज फिफ्थ फाइव ईयर प्लान थर्ड प्लान गैप वॉज सेवेंथ फाइव ईयर प्लान देखो ऑर्डर नंबर है लाइन से थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद तीन साल का गैप 5th 5 year प्लान के बाद एक साल का गैप 7th 5 year प्लान के बाद दो साल का गैप तो मैं अपने आप सारे प्लान समझ में आ जाएंगे अब देखो लाइन से हमने जब 5 year प्लान करा तो फर्स्ट 5 year प्लान वी स्टार्टेड 1951 टू 96 पांच साल काउंट करोगे तो 51 56 पांच साल हो गए सेकंड 5 year प्लान बाय डिफॉल्ट क्या होगा 56 टू 61 थर्ड 5 year प्लान इज 61 टू 66 यहां गैप आ गया कितने साल का 3 साल का तभी यहां फेज 1 माना गया अब यहां से हमने चेंज करा अपनी पूरी स्ट्रेटेजी. 66, 67, 67, 68, 68, 69. साल साल हमने प्लान प्लान गैप करा क्योंकि इस साल हमारे देश की एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब थी आ, शास्त्री जी ने पहली बार नारा दिया जय जवान जय किसान अभी तुम लोगों ने नारा कभी ना कभी सुना जरूर होगा या तो नोटबुक में या किसी न्यूज चैनल में हम सुनते रहते हैं नारा तो शास्त्री जी ने नारा दिया क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर की सिचुएशन इसी टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन भी हम लोग लाए थे तो फिर आगे तीन साल का गैप

सो फेज वन एंड फेज टू ये है फाइव ईयर प्लान तुम्हें सिर्फ प्लान के ईयर अच्छे से याद रखने हैं फिर तुम्हें याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्या है फाइव ईयर प्लानिंग के क्यों बनाई जाती है फाइव ईयर प्लानिंग क्यों होती है फाइव प्लानिंग सो फर्स्ट टू इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे सिंपल पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट सबसे इजी पॉइंट फाइव प्लानिंग का बेसिक रीजन क्या होगा इकोनॉमी का ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमने बनाई सेकेंड

रिडक्शन ऑफ ऑफ इनकम इनइक्वालिटी वेल्थ कि हम फाइव ईयर प्लानिंग को इस तरह से मैनेज करें कि इकोनॉमी में देश में जितना भी इनक्वालिटीज है गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है जो पॉवर्टी आ रहा है देश में पॉवर्टी प्लस देखो गैप का मतलब हमेशा पॉवर्टी नहीं होता गैप का मतलब है रिच और पुअर के बीच का एक्सट्रीम गैप पुअर होना अलग बात है और एक्सट्रीम गैप होना अलग बात है अगर गैप बहुत बड़ा है तो एक बात निकल के सामने आती है कि पॉवर्टी को हटाया जाना आसान है क्योंकि गैप बड़ा है अगर गैप बिल्कुल नहीं होता तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है गैप बहुत बड़ा है मतलब इकोनॉमी में चांसेस है इकोनॉमी में स्कोप है टू रिड्यूस पॉवर्टी सो तो हमें गैप कम करना था एंड द लास्ट वन इज टू रिड्यूस द दिन लेवल एंड पॉवर्टी यहां हमने ऊपर गैप कम करना सोचा और नीचे हमने सोचा पॉवर्टी भी हटाना है गैप कम करने के साथ ऐसा ना हो कि गैप कम हो जाए ऊपर वाले नीचे आ जाए इसका मतलब गैप कम करना नहीं होता हमें एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी हटा के गैप कम करना है के थे सारे। फिर आते हैं, features of economic planning, pursuit, अभी मैंने बताया कि क्या थे इकोनॉमिक प्लानिंग रखने इकोनॉमिक प्लानिंग के कि दो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ये पहला एम uh, था 1956 में देखो 1956 में ऐसे समझो पहला जो प्लान बना एग्रीकल्चर फर्स्ट प्लान वॉज एग्रीकल्चरल प्लान माना जाता है लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड से लेके जो ये, ये प्लान था यह एक्चुअली सही प्लान इंडस्ट्रियल प्लान माना जाता था सेकंड प्लान के लिए तो ऑब्जेक्टिव अगर कभी क्वेश्चन आता है तो दिमाग में रख लेना सेकेंड प्लान इज प्योरली इंडस्ट्रियल प्लान माना जाता है पीसी महलनोबिस ने इस प्लान को फॉर्मुलेट करा था उन्होंने बोला ही था कि वी वी हैव टू ग्रो इकोनॉमी शुड ग्रो आर इकोमी लार्ज स्केट टू हेवी स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेकेंड प्लान का फोकस ही था उसको महालोबिस प्लान भी कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट याद रखना है. ठीक है चल अब आते हैं एग्रीकल्चर में फिर से ध्यान रखना हम लोग कहां पर है हम लोगों लो ने इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स हमें इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव पड़े ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं इयर वाइज आता है कौन सा प्लान कब बनाता पहला प्लान का लॉजिक क्या था एग्रीकल्चर uh, और इंडस्ट्री फर्स्ट प्लान था सेकंड प्लान का जो जो स्टैंडर्डाइजेशन था लॉजिक था सेकंड प्लान का डेवलपमेंट uh, को लेका. अब हो गया हमने देश की यहां से ग्रोथ के साथ साथ होना जरूरी है ठीक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कहलाता था अब हमें पढ़ना है ये, 1950 से 1991 के अलग -अलग में क्या क्या हुआ एग्रीकल्चर so ड्यूरिंग we'll 1950 1991 यहां पे एक बात बैठा लेना दिमाग में एग्रीकल्चर में दो चीजें हुई सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स जिसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स याद रखना बस हमेशा एंड सेकेंड इज ग्रीन रेवल्यूशन बस यही है वो क्वेश्चन जोन जहां से क्वेश्चन बनेगा यही फोकस है इस पूरे चैप्टर में एग्रीकल्चर का इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है सो लैंड रिफॉर्म्स क्या हुआ था लैंड रिफॉर्म फर्स्ट

उनको जा रही है जिनकी वो जमीन कभी हुआ करती थी और जमीन देने वाला कौन और पॉलिसी बनाने वाला कौन ये दोनों एक ही maker, तो सबसे ही क्योंकि जितने बड़े बड़े जमींदार थे रसूखदार लोग थे वो उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री थी अब मुझे बोला गया है यू जस्ट यू जस्ट ड्राफ्ट पॉलिसी जिसमें अति जमीन है उनसे लेके सरकार गरीबों को बांट दे सो आई अल्टीमेटली समवन इज टेलिंग मी टू साइन माय डेथ वारंट मैं अपनी डेथ वारंट पे साइन करूं मैं अपनी हाथ से अपनी जमीने किसी को दे दूं तो मुझसे तो ना हो पा रहा था तो मुझसे नहीं हो पाया तो मुझसे नहीं हो पाया तो पॉलिसी का तो फेलियर होना लाजमी तुमसे कोई बोले चलो पॉलिसी बनाओ जिसमें जमीने जिसके पास एक्सेस जमीन है वो दे दो तुम्हें पता चलेगा एक दिन बैठ के शिट, मेरे पास तो एक्सेस जमीन है वाई शुड आई गिव इट टू यू

रेवेन्यू डायरेक्टली टू दी लगान डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट अभी लगान बोर्ड हट गया था टैक्स था टैक्स अगर कभी भी एम्प्लाय होगा अब तो होता भी नहीं है अगर होगा जिस जिस टाइम होगा उनको सीधे सरकार को देना होगा जमीनदारी सिस्टम इसमें नहीं होगा ठीक है फिक्सेशन ऑफ रेंट ध्यान से समझना कहां फेलियर हो रहा था फिक्सेशन ऑफ रेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड राइट ऑफ ओनरशिप तुम्हे रेंट फिक्स करना था इतना ही रेंट हम चार्ज कर सकते हैं आ, फार्मर्स को इतना ही रेंट देना होगा इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनसे हम अचानक एक दिन उठ के नहीं बोल देंगे कि यार जमीनें दे दो और ओनरशिप राइट जो जमीन पे कई सालों से काम कर रहा है उन्हें ओनरशिप राइट फार्मर्स को मतलब आइडेंटिफिकेशन करना था एक्चुअल फार्मर और फार्मर्स के बीच का मतलब गवर्नमेंट ने दो टर्म कॉइन करे उन्होंने बोला फार्मर कौन है और टेलर कौन है

पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसको स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना था गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हमारे स्टेट स्टेट में तो नहीं करवा सकते पॉलिसी बन गई तो इंडिया जिस को चाहिए अपने लेवल को अपने लेवल पे इसको एक्सेप्ट इसकी डिसाइड करना है कितना एक्सेसिव लैंड होगा ठीक है so,

दो एकड़ जमीन है पर आधा आधा एकड़ चार अलग अलग जगह तो गवर्नमेंट बोलता था आपस में बैठो पंचायत में सलाह मशवरा करो और क्यों ना एक, एक जगह पे जमीन ले ली जाए एक पर्टिकुलर जगह पे नाउ इज इट एवर पॉसिबल हम हम साथ में बुराई भी ढूंढ रहे हैं कि पॉसिबल है कि हम बैठे साथ में बोलिए मुझे सारी जमीन एक साथ दे दो मेरी एक जमीन है ना हाईवे से टच होती है क्यों ना मुझे एक जगह सारी जमीनें दे दी जाए और बाकी जिसकी जमीन आधा आधा एकड़ मेरे बगल में उनसे बोल रहा हूँ अंदर कहीं पे ले लो जहां मेरी जमीन है तो मैं क्यों दू सामने वाला क्यों देगा मुझे अपनी जमीन सो दिस द इश्यू लास्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग की बीच की सारी ये जो फार्म के बीच में जो तुम लोगों ने डिविजन बना के रखा है सब हटाओ एक साथ फार्मिंग करो और बाद में हिस्सा डिवाइड कर लें इससे फायदा होता है कॉपरेटिव फार्मिंग इज ऑलवेज द बेस्ट क्योंकि जो छोटे फार्मर्स हैं जो बड़े फार्मर्स साथ में मिलकर काम करेंगे तो बड़े को फायदा होगा ज्यादा जमीन का छोटे को फायदा होगा उसके टूल्स का इक्विपमेंट्स का और ऑब्वियसली ज्यादा जमीन का तो ये होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग ये था पूरा टेनेंसी रिफॉर्म पूरा लैंड रिफॉर्म जिसमें से एक फर्स्ट पॉइंट छोड़ के सब कुछ फेल हो गया हो भी नहीं सकता था। अब क्यों फेल हुआ आ, राइट ऑफ तुम्हें यही नहीं पता कि टेंडेंसी की फार्मर्स की डेफिनेशन होती क्या है एक्ट no आज तक ट्वेंटी ट्वेंटी तक 2021 आ गया 2021 तक भी फार्मर्स की कोई डेफिनेशन नहीं फार्मर्स और टिलर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन फार्मर्स एंड टिलर्स मैंने अपने यहां कुछ लोग रोग रखे काम करने के लिए कैसे पता कि मैं रोज खेत में नहीं जाता नहीं समझ सकते आप फिर कोई प्रूफ ही नहीं था फार्मर्स का जल्दी देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जो मैंने बताया चोर चोर मौसेरे भाई कोई चाहता ही नहीं था

टेक्निकल रिफॉर्म वो था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जमीन टेक्निकल रिफॉर्म ऑफ दुलट मचेशन थी उम्मीदें uh, लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा था कि इसको यहां तक लेके जाएंगे उतना हो नहीं पाया तो ये था एग्रीकल्चर uh, पर रिफॉर्म आया एम एस स्वामीनाथन इनका नाम याद रखना एम एस स्वामीनाथन और नॉमन बोर्लॉक वो हालांकि वर्ल्ड लेवल पे थे एस स्वामीनाथन इंडिया में ठीक है सो एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया अब इन्होंने क्या करा इन्होंने बोला आ, ग्रीन रेवोल्यूशन अगर करना है तो तुम्हें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगेगी जिसको हाइब्रिड सीड्स भी कहते हैं एच वाई वी पी सीड्स ठीक है हाई हाईडिंग वेराइटी सीड्स ये अगर है तुम्हारे पास हाइब्रिड सीड्स तो हम ग्रीन रिवोल्यूशन की इनिशिएशन क्यों ना हम अच्छी क्वालिटी सीड लें जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है अब देखते हैं क्या क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन में उसके फीचर समझते हैं अगेन ग्रीन रिवोल्यूशन इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वाया हाईडिंग वेराइटी एच वाई वी सीड्स वाया इरिगेशन फैसिलिटीज वाया पेस्टिसाइड ये सब चीजें क्या कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ये सब चीजों के साथ एग्रीकल्चर को ग्रो करने की स्ट्रेटेजी को ही ग्रीन रेवल्यूशन बोलते हैं देखते हैं क्या था फर्स्ट इज यूज ऑफ पैकेज इनपुट्स, जिसमें सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड सब कुछ ऐसे पैकेज इनपुट कहते हैं क्या क्या चीज थी इसमें इसको देख लेते हैं इसमें थी सीड्स हाइडिंग वेराइटी सीड्स इसमें थी फर्टिलाइजर्स इसमें थे पेस्टिसाइड इसमें थी इरीगेशन फैसिलिटी इरीगेशन हालांकि हम अलग भी समझ सकते हैं ठीक है द नेक्स्ट इज साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप हमें सिखाया गया कि रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है uh, कौन सा क्रॉप किसके बाद लगाने से लैंड uh, की फर्टिलिटी रीगेन होती है दिस वाज टेक्निकल इसलिए इसको टेक्निकल रिफॉर्म कहते हैं देन क्रेडिट पैकेज इनपुट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब उधार देना मतलब सपोर्ट देना क्रेडिट सपोर्ट के फॉर्म में सो क्रेडिट सपोर्ट दिया गवर्नमेंट uh, ने कि यार क्रेडिट सपोर्ट देंगे लोन देंगे तो फार्मर एक्टिव फार्मिंग एक्टिविटी ग्रो होगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस जिसको एमएसपी तुम लोगों ने बहुत बार अभी रिसेंट सुना होगा न्यूज में मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन केस अगर फार्म का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गया प्राइस कम हो रहा है सो गवर्नमेंट एक ऑफर देगा कि इतने में हमें सेल कर दो तो फेंकने की जरूरत नहीं है या मार्केट में प्राइस कम होने देने की जरूरत नहीं सपोर्ट प्राइस मिल जाता है गवर्नमेंट का कि वी आर सपोर्टिंग दिस प्राइस इतने में तो हम ही खरीद लेंगे माइनर इरिगेशन वर्क करा छोटे छोटे कुएं हम बोल सकते हैं well वेल है कैनाल्स है ये सारे इरिगेशन एक्टिविटीज को प्रमोट करा गवर्नमेंट अब ग्रीन रेवल्यूशन सक्सेसफुल हुआ पर ग्रीन रिवोल्यूशन कुछ ही एरियाज में था कुछ ही क्रॉप्स के साथ था दिस वाज द इश्यू विद ग्रीन रिवोल्यूशन एरियाज लाइक पंजाब एरिया तब का हरियाणा था एरियाज लाइक पार्ट ऑफ एम पार्ट ऑफ राजस्थान ये पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ये कुछ मेजर एरियाज थे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ पर अगेन ग्रीन रेवल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट पंजाब क्रॉप्स की बात करोगे तो ग्रीन रेवल्यूशन में जो क्रॉप्स थी दैट इज पांच क्रॉप्स पे ग्रीन रेवल्यूशन हुआ सबसे पहले तो व्हीट इसको व्हीट रेवल्यूशन भी बोलते हैं व्हीट राइस राइस इज पेडी राइस हम नहीं लिख सकते राइस नॉट अ क्रॉप पेडी उसका मेन क्रॉप है व्हीट राइस मेज ज्वार और एक था बाजरा डीज व क्रॉप ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन सो कुछ ही स्टेट्स में और कुछ ही क्रॉप में ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ सारी क्रॉप्स के साथ ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हुआ ये ये इसकी शॉर्टकमिंग भी बोल सकते हो उसको ठीक है पहले अचीवमेंट देख लेते हैं राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी नो डाउट हुआ आप अच्छी सीड इरिगेशन फैसिलिटी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज करोगे तो डेफिनेटली दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड क्वालिटी ऑफ फूड एज वेल शेल्फ लाइफ बढ़ गई

लो पुअर फार्मर्स जो ग्रीन रिवोल्यूशन को यूज कर पाए इतना बड़ा पैकेज इनपुट इतना बड़ा लोन किसी कम जमीन पे यूजुअली मिलने के चांसेस नहीं होते तो इसका ज्यादातर बेनिफिट रिच रिच फार्मर्स ने गेन करा इसलिए गैप भी बढ़ गया बिटवीन एंड पुअर फिर डिफरेंशियल गेन डिफरेंशियल गेन मतलब द द रिच गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ये इंक्रीज होने पर डिफरेंशियल गेन जो था वो रिच की तरफ डाइवर्ट uh, होता चला जा रहा था इससे गैप गैप बढ़ा रिच और पुअर्स के बीच में फिर आता है नेग्लेक्ट लैंड रिफॉर्म्स हमने यहाँ पे ग्रीन रिवोलूशन तो करा लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन आते हैं, भूल गए कि लैंड रिफॉर्म जैसी भी कोई चीज हुई थी और उसका असर यहां दिखा कि यार पुअर फार्मर और सॉरी रिच फार्मर्स और टिलर्स के बीच का तो अंतर हटाया ही नहीं तो उसका बेनिफिट मिलेगा किसको तो लैंड रिफॉर्म नेगलेक्ट करना इज वन ऑफ द लॉजिक राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट ये क्यों हुआ एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा बट जमीन और फार्मर्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा टूल्स और मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से हम जितना ज्यादा मॉडर्न टेक्निक टूल्स यूज करेंगे लेबर की जरूरतें कम हो जाएगी जरूरत ऑफ लेबर कम हो जाएगी फिर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ग्रीन रिवोल्यूशन से माना जाता है पंजाब में बहुत सारी जगह आज भी ऐसी है और और अदर पार्ट ऑफ द इंडिया जहां पे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होना शुरू हो चुका है ये तब का असर है 1965, 66 दो फेजेस असरटीन सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स दो फेजेजन सेवन से आज उसका असर दिखता है कि जमीनें डिग्रेड होना शुरू हो गई रीजन तो ये है हमारे फेलियर्स रेवल्यूशन फिर आते हैं इंडस्ट्रियल uh, सेक्टर में क्या क्या हमने चेंजेस करे थे 1950 से हमें सबसे बड़ा चेंज पड़ना है आईपीआर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ये क्या होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ये इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 इसमें क्या हुआ इसमें तीन शेड्यूल में पहले तो इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री शेड्यूल ए शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी शेड्यूल ए में थी सत्रह इंडस्ट्रीज शेड्यूल बी में थी बारह इंडस्ट्री शेड्यूल सी में थी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज शेड्यूल so एक की जो सत्रह इंडस्ट्रीज थी एक्सक्लूसिवली रिजर्व एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन शॉर्ट गवर्नमेंट वो इंडस्ट्रीज पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था एक्सेसिवली एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी बारह अच्छा ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी आ, तुम लोग पता होगा रेलवे डिफेंस अटोमिक के अलावा पोस्ट एंड टेलीग्राम यहाँ पे आता था मतलब Uh, कोई कुरियर सर्विसेज नहीं हुआ करती थी एविएशन सारी इंडस्ट्री पहले सरकार के पास थी ट्रांसपोर्टेशन सब सरकार ठीक है फिर बारह यहाँ पे क्या था एस्टेब्लिशमेंट बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर फिर उसका एक्सपेंशन कर सकता था मतलब पहला एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट करेगा उसकी परमिशन के साथ फिर उसको फर्दर एक्सपेंशन जो पहला एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट करेगा फर्दर जो एक्सपेंशन है वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है आगे बढ़ सकता है यहाँ पे बारह इंडस्ट्रीज दी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट रखा गया पर स्टैब्लिशमेंट बाय गवर्नमेंट एंड रन बाय प्राइवेट थर्ड जो ए सी थी रिमेनिंग इंडस्ट्री यहां पे ओपन रखा गया प्राइवेट भी स्टैब्लिशमेंट कर सकता है ओपन है बची हुई सारी इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट भी कर सकता है सो so, ओपन का मतलब प्राइवेट नहीं होता ओपन का मतलब भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट होता है ओपन जिसको ओपन करना है करो सो so, अगर पूरे स्ट्रक्चर में देखो सो so, एक चीज सब में कॉमन है दैट इज गवर्नमेंट मतलब तीनों जगह पे गवर्नमेंट तो है गवर्नमेंट होगी फिफ्टी सिक्स ये थी आईपीआर की खासियत ठीक है थीके? फिर आते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पे इंडस्ट्रियलोस्ट इच एंडस्ट्रीर्ड प्रमोशन ऑफ एस एस आई और uh, इंडस्ट्रियल एजुकेशन ये दो पॉइंट हमें पढ़ने के डिटेल में आगे एजुकेशन बताएता हूँ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन आई टी आईज बने थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई टी आईज इनका क्या काम था ये आ, लेबर ट्रेनिंग देती थी इंडस्ट्री में जो लेबर काम करते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट की आ, हम यहां से सीख के जाए और सीधे किसी इंडस्ट्री में हमारी जॉब लग जाए उसको आई टी आई कहते आई आई टीज होते हैं ना वो टेक्निकल डिग्रीज देते हैं आई टी आई तुम्हें टेक्निकली था लेकिन वो लेबर ओरिएंटेड डिग्री देते थे सीधे तुम किसी इंडस्ट्री में जाके काम करना शुरू कर सकते हो ये एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आई टी आई का द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया अब आते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग टेक्निकलीज इन इंडिया लाइसेंस वॉज रिक्वायर्ड हर इंडस्ट्री के लिए देश में लाइसेंस in इसको लाइसेंस राज कहते थे लाइसेंसिंग राज दिस वॉज डेंजरस पॉलिसी देखो लिखा होगा द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलशन एक्ट ऑन एक्ट नाइन फिफ्टी वन and had its benefit and shortcomings. The industrial licensing policy 1991 further liberalized the licensing policy. Ab nahi lagta. It is tool of channelizing scarce resources, predetermined priority in sectors on the India. Matlab, the license is like here. Aisa na ho ki kahin pe koi bhi industry khul jaye. और कोई भी industry promote होने लगे पता चला जिस industry की जरूरत नहीं है वो खुल रही सो so, government ने बोला नहीं ये सोशलिज्म का प्रकार है समझना हमें वही इंडस्ट्री पहले खोलनी है या खोलनी है जिनकी सोसाइटी को नीड है प्रॉफिट इज सेकेंडरी दिस वॉज पॉलिसी इसी को लाइसेंस राज बोलते हैं ठीक है फिर आते हैं पब्लिक सेक्टर पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एसाइज इन पब्लिक सेक्टर हमें पढ़ना है सो so, पब्लिक सेक्टर क्या है पब्लिक सेक्टर इज जहां पे ओनरशिप uh, राइट right, मतलब एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट इज विथ गवर्नमेंट 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो तो हम उस इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोल देते हैं उससे कम हो जाएगा तो फिर वो गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा ओनरशिप राइट right नहीं रह जाएगी सो इंडस्ट्री विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट मैनेज्ड हो या ना हो 100% लेकिन ओनरशिप राइट इज बाय द गवर्नमेंट द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती सो ऑब्जेक्टिव टू अटेन कमांडिंग आइट इन द इकोनमी क्योंकि पब्लिक सेक्टर अगर होगा सो so, हम इकोनॉमी को अपने हिसाब से चला सकते हैं मैनेज कर सकते हैं सोशलिज्म का प्रकार है ये uh, लेकिन अपनी इकोनॉमी तो हमने प्राइवेट को भी आने दिया लेकिन हमने ऐसा नहीं करा कि हमने पब्लिक सेक्टर को हटा दिया सो so, पब्लिक सेक्टर से है अगर प्राइवेट सेक्टर को क्रिएट करे सो वी हैव टू प्रोवाइड कमर्शियल सरप्लस टू फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फिलिंग क्रिटिकल गैप जहां पे प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ सकता था नॉन प्रॉफिट एरियाज इंडस्ट्री में या लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज में वहां पे लॉस होता है जहां पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है प्राइवेट एरिया नहीं आएगा टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी जो प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं बना पाएगा प्राइवेट सेक्टर कभी भी रेलवे डेवलप नहीं कर सकता था चला सकता था प्राइवेट सेक्टर कभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन uh, नहीं कर सकता था चलाना बहुत अलग बात होती है टू इंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट टू रिड्यूस शार्प डिस्पैरिटीज बिटवीन इकोनॉमिक पावर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना चली जाए टू इफेक्ट सोशल कंट्रोल

एम्प्लॉयमेंट लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है और फाइनेंसिस को हम मैनेज करें इकोनॉमिक सिस्टम में तो ये था पब्लिक सेक्टर का बेसिक रोल जिसको अचीव करना था ठीक है सो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर जल्दी देखते हैं क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज इन मोबिलाइजिंग सेविंग एंड अर्निंग फॉरन एक्सचेंज और भी बहुत सारे टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर देखो जो

पब्लिक सेक्टर में एंड ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता, होता, है को प्रॉब्लम्स पढ़नी। पर समझते हैं होता क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसमें अप कैपिटल तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लिखना है आ, Not more than one CR, जिसमें एक करोड़ से ज्यादा पेडअप कैपिटल नहीं हो सकती एक करोड़ से ऊपर होगा तो वह लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन जाएगी ऐसी इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करे सो इंडस्ट्री दैट प्रोमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री दैट प्रोमोट्स दैट प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड सब कुछ प्रोवाइड करवाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खासियत है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उससे रिलेटेड शॉर्ट कमिंग्स आती तो एक्सरसाइज क्या हुआ पहली बात एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जहां पे कैपिटल ज्यादा नहीं पर ऐसे मानो घरों में लगने वाली इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री छोटी छोटी इंडस्ट्री ये क्यों इसके लिमिटेशन लगा दी थी गवर्नमेंट ने एक करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती थी दिस वॉज अ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग दिस फिफ्टी एन नाइन नाइन में कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं एंट्री कर सकती

outdated machines and equipment, finance no one support uh, it via fund underutilized export potential small scale small scale industry is enormous potential to promote export growth and economy enormous mm -hmm. potential trust trust me licking finance is the issue with ssi then uh, sickness in ssi other small scale industry uh, loss making hoti hai, So they do they do not have enough capital to support uh, their industry गवर्नमेंट भी नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पीछे देन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एस के साथ वर्क करता है बहुत ज्यादा कोई भी छोटी सी अप्रूव uh, करवाना है सो so, ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है पब्लिक सेक्टर में इतनी स्ट्रांग है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ तो वैसे इनके पास पैसा नहीं होता देन इन एडिकुएट डिस्पोजल ऑफ इनकम कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनको मिलता रहता है अब तो ज्यादा मिलता है तब गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी कि नहीं हो सकता आफ्टर 1991 तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तब तो चलो फिर भी कम थे एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ग्लोबलाइजेशन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पूरा उल्टा इफेक्ट हो गया ग्लोबलाइजेशन आने के बाद पहले तो सिर्फ इंडिया की फॉर्म से इन्हें प्रॉब्लम थी बाहर की फॉर्म भी आ गई पहले इन्हें बेचने के लिए ऐसे मानो बेस्ट प्राइस के साथ वॉलमार्ट आ गया अब वॉलमार्ट आ गया तो सोच रहे हो पहले जितने भी छोटे छोटे सेलर्स थे इनको बहुत ज्यादा मुश्किलें होती थी सेल करने में वॉलमार्ट आने के बाद और भी चीज अमेजॉन आने के बाद इनकी दिक्कतें कितनी बढ़ गई होगी मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा छोटे सेलर्स की बात कर रहा सेम हाल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फॉरिन ट्रेड पॉलिसी प्री नाइनटीन कैसी थी एक लाइन जो लिखी है उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा इंडिया ट्रेड पॉलिसी वॉज डिजाइन टू बी हाईली रेगुलेटरी एंड रिस्ट्रिक्टिव नेचर बाय पहले से ही है रेगुलेटरी एंड रिस्ट्रिक्टिव नेचर की फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड बनाना है और दूसरा फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी समझना है तो तुम्हें तो सिर्फ समझना है ये वर्ड जो बोल्ड है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हमारी पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी का एक ही एम था कि इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया जाए मतलब जो हम गुड्स बाहर से ला रहे हैं पहले ही बताया था मैंने उनको हम जो गुड्स बाहर से हम मंगाते हैं अगर हम घर में बना सकते हैं सो क्यों ना घर में बनाया जाए इज इंपोर्ट सब्सटी पॉलिसी हमने फॉरन ट्रेड पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा काम करा पर यहां पे प्रॉब्लम है फॉरन ट्रेड पॉलिसी के साथ हमने ये तो कर दिया कि हमने इंपोर्ट सब्सटिट्यूशन कर दिया बट हमने एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं करा हमने ये तो बोल दिया बाहर से आने वाले गुड्स को रोक दो पर यहां जो गुड्स बने उनको प्रमोट भी तो करो

पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट हमने ये तो बोला घर हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट ही नहीं करा इट नॉट लीड टू ग्रोथ इट डिड नॉट लीड टू एफिशियंस इट ट्रूव टू बीट क्योंकि देश, रोकने से नहीं बढ़ता, देश प्रमोट करने से बढ़ता और प्रमोशन हो नहीं रहा था रुख तो रहा था प्रमोशन वॉज नॉट देर दिस वॉज द इशू दिस वॉज द चैलेंज ठीक है फिर आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर द लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कितने कितने लोग एंगेज है सो इंडियन इकोनॉमी पहले से और लास्ट तक भी प्राइमरी ही रही है प्राइमरी सेक्टर को सबसे ज्यादा रोल मिला है ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन वो आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर ये था uh, तो वो प्राइमरी सेक्टर में सारे लोग एंगेज थे ये हमारे 1950 से 1991 तक का स्ट्रक्चर था ये क्वेश्चन

रेट इज वेरी स्लो जब जब इकोनॉमी डेवलप करती है तो गवर्नमेंट का प्लान होता है जो हमने भी करा कि क्यों ना एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे कम करा जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था तो हमने उसको सोचा इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाए पर हुआ नहीं इनफेक्ट वहां पे डिस्काइज uh, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया दिस वॉज द इशू ऑफ ऑक्युपेशन स्ट्रक्चर आ रहा है ऑक्युपेशन से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया जब स्कूल एग्जामिनेशन में था तब भी और जब बोर्ड में आ गया तब भी सो दिस वॉज नॉट दी बहुत बड़ा चैलेंज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक प्लानिंग ये चीजें मत छोड़ना ये छोड़ना इज अ क्राइम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ठीक है फॉरेन ट्रेड कुड बी डन फॉरेन ट्रेड को हम समझ सकते हैं एक ही पॉलिसी से दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर का चैप्टर में इसे भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया कौन सा पोर्शन है पढ़ना आराम से बार बार सुनना समझ में चीजें आ जाएंगी ठीक है तो थैंक यू थैंक यू लॉड फॉर लिज केयरफुल टेलीग्राम चैनल इज ऑलवेज देयर थैंक यू